ऑफिस पहुंचने का मेरे से लड़ने आ जाता है। देखो भाई से मिलने आए, हेलो बोलने आए भाई को। अंडरपास आपके भाई को पसंद है, लेकिन ये वाला अंडरपास ना बड़ा गंदा वाला अंडरपास है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। अभी फिलहाल जो है टाइम हो गया गाइस, कितना टाइम हो गया, 6:08 हो चुके हैं गाइस। अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे हल्का फुल्का, फिर उसके बाद कांचुल का दवाई भी देना है, गमलों में पानी भी देना है और ऑफिस भी जाना है। सो सारे काम होने हैं गाइस। सो फटाफट मैं बहुत हार्ड एक्सरसाइज तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन हल्का फुल्का जो है एक्सरसाइज डॉक्टर ने जो बोला उतना ही कर रहा हूँ। ए भाई भी आ गया, भाई भी आ गया, को भाई भाई दवे 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 पी लिया ये दवे पिएगा, लाच लाच दवे पिएगा। सो गाइस देख सकते हैं भाई को मिलने आए हैं, ठुले और ठुले यहाँ बैठेगा, भाई से मिलने आए हैं, हेलो बोलने आए भाई को। देख सकते हैं ये गमला सूख गया है, तो इसमें पानी देना जरूरी है। ये किस चीज़ का गमला है? ये है मिर्ची का गमला, देख सकते हैं सूख जाता है। ठीक है, सो गाइस देख सकते हैं मैंने जो नींबू लगाया था इतना बड़ा हो गया, एक ही नींबू है, अभी फूल भी आ रहे हैं इसमें हल्के फुल्के। सो गाइस ये कबूतर और कौवे आते हैं ना, इसमें पानी दे एकदम साफ कर दिया मैंने। सो गाइस देख सकते हैं कौन आ गया, ये है ठुले। ठुले हेलो, सबको गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग गाइस, कांचुले भी रेस्ट कर रहा है, दवाई ववाई पी लिया ना उसने, रेस्ट करने गया। तो हम लोग भी अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। जय भोलेनाथ। सो गाइस निकलने के लिए रेडी हैं, चलते हैं फटाफट। सो गाइस घर से मैं निकल चुका हूँ, आराम से चलेंगे आज। सो गाइस गर्मी का एहसास हो चुका है, गर्मी मतलब बढ़ रही है। अभी भी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन गर्मी ज़बरदस्त लग रही है गाइस। लेकिन अब बारिश हो जाए तो ठीक है यार, मतलब बीच बीच में बारिश हो जाए तो अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडक ठंडक समय महसूस होगा तो बढ़िया लगेगा। जय भैरव बाबा की जय, जय भोलेनाथ की जय, जय भोलेनाथ की जय। सो गाइस भैरव बाबा के दर्शन हो चुके, निकलते हैं फटाफट। सो गाइस आज जो है ना दूसरा नए रास्ते से जाएंगे हम लोग, मज़ा आएगा गाइस, चैनल पर बने रहिए। बहुत ही उम्दा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये वाले रास्ते से आने में ना थोड़े बहुत वहाँ पे गड्ढे वड्ढे हैं, अदरवाइज ये रास्ता भी बढ़िया है। सो देख सकते हैं गाइस कौन सा मेट्रो स्टेशन है, गोविंदपुरी का मेट्रो स्टेशन है गाइस। आय होए अंडरपास टाइप लगता है ये भी ठंडा ठंडा ही लग रहा है। ये देखो ये ब्रेकर वगैरह ना काफ़ी हद तक बड़े बड़े बना रखे हैं यहाँ पे ना, ये देखो पता नहीं क्यों बनाए इतने बड़े बड़े, समझ में नहीं आ रहा है। आज वैसे सारे ही ग्रीन लाइट मिल रहे हैं, इधर से रेड लाइट ज़्यादा है और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं इधर से आने ज़्यादा नहीं आता हूँ। लेकिन कभी कभार जो है ना थोड़ा नए रास्ते से भी चल लेना चाहिए। और सबसे अच्छा तो D&D लगता है गाइस, मस्त एकदम। कभी कभार फंस जाए तो कहीं से भी निकल सकते हैं, इसलिए मैं हर एक रास्ते को ट्राई करता हूँ। ये देखो गाइस टोन प्लाजा, ये देखो गाइस यहाँ पे ना ये बिना पिलर के बिल्डिंग बने हुए हैं, देख सकते हैं। ये थोड़े जो भूकंप आता है ना उसके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये, देख सकते हैं आप लोग। वैसे लोग रह रहे हैं ठीक है, लेकिन भूकंप आता है ना तो ये भरभरा के गिर जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ भाई, ग्रीन लाइट होने दो फिर निकलो, क्या दिक्कत है। 2 मिनट का लोगों को तसल्ली नहीं होता ना, ये सड़क सबसे गंदा लगता है। अंडरपास आपके भाई को पसंद है, लेकिन ये वाला अंडरपास ना बड़ा गंदा वाला अंडरपास है। इसमें जो है ना इस वाले अंडरपास में ना उमस है, अजीब सा ही है ये अंडरपास, लंबा भी है और ठंडक बिल्कुल नहीं है इसमें, उमस है। रास्ता देख रहे हो कितना गंदा रास्ता है ये, वहाँ निकल गए हम लोग। यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा गाजियाबाद सब इधर से जाते हैं लोग, सफाई वालों को एक सलाम तो बनता है। तो रास्ते में लोग सफाई कर देते हैं ना तो अच्छा होता है, नहीं तो ये सारे धूल उड़ के ना आँखों में आ जाती है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इनकी वजह से जो है हमारी आँखें भी बच जाती है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। रॉन्ग साइड वाले
साइकिल वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, सारे के सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं। रास्ते में चलना मतलब जंग लड़ने से कम नहीं है, बॉर्डर में जंग लड़ने से कम नहीं है गाइस। अरे इतने सारे लोग कहाँ से आ गए ये ना कालिंदी कुंज है गाइस। यहाँ पे ना बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, अभी पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे लेके आ सकते हैं हम लोग। चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, लोग कूदे ना, इस वजह से ना जाली लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए नहीं दिखती, नहीं तो बड़ा अच्छा सा नज़ारा दिखता है यहाँ से। सामने सुपरनोवा का बिल्डिंग चमक रहा है गाइस, सुपरनोवा के बिल्डिंग के थोड़ा सा नीचे से हम लोग साइड से ऑफिस आएंगे। ओखला बर्ड सेंचुरी है गाइस, ओखला बर्ड सेंचुरी का ये जो है मेट्रो स्टेशन है गाइस, यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे। आह ठंडा ठंडा एहसास हो गया है, पता नहीं यहाँ अच्छा सा लगता है यार यहाँ पे तो। वो वाला अंडरपास पता नहीं क्यों, ये तो ये ठंडा है, 30 सेकंड के लिए हो फिर भी राहत जरूर मिलती है गाइस यहाँ से निकलने में ना, अच्छा लगता है मुझे तो, बड़ा आनंद आता है यहाँ पे आने, ऐसा लगता है थोड़ी देर रुक जाऊँ, रुक नहीं सकते हैं क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। आज ना बहुत अच्छा लगा, जाम भी नहीं था और आराम से आ गए। रॉन्ग साइड से क्यों ला रहा है भाई, ऑफिस तो पहुँचने वाले हैं, देखो यहाँ पर भी जाम मिलता है। वो खुला है क्या? हाँ कार्ड है गई। जैसे हमारा कैंपस बहुत अच्छा है, ग्रीन ग्रीन है ना, अच्छा लगता है देखने रे, मस्त एकदम। ऑफिस में पहुँच चुका हूँ, फाइनली जो है ना ऑफिस पहुँच चुका हूँ मैं, अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी आ गया मैं, और जो है रास्ते में कोई जाम भी नहीं मिला, फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से आ गया। जब से बिहार से आया हनाब शनाब से, आप क्या बोला, बिहार से जब से आया वापस लोग हनाब शनाब सीनियर बन गए ना, सबके सीनियर लिखा गया तो हवा प्यार में जमी नहीं है लोगों के, नाम शनाब ऑफिस पहुंचने का मेरे से लड़ने आ जाता है, देखो प्यार हो गया एकदम, जब से डॉट एसआर लगाया ना तब से भैया, इतने साल बाद लगा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अरे स्टील सब ज्यादा इनका ही आया इंक्रीमेंट। ओ देखो गाइस झूठ बोल रहा है बंदा, झूठ। सो गाइस देख सकते हैं काम अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, लंच टाइम हो गया, फटाफट चलते हैं लंच करने क्योंकि मंजीत ने मुझे आवाज दे दिया है, तो लाइट भी बंद कर देते हैं फटाफट, बंद करने की वजह मैं खोल रहा हूँ, देख सकते हैं ऐसा मत करो, 1 बजे से बैठा हूँ, 1:39 हो चुके हैं, बंदा अब आ रहा है, खाने के लिए वेट कर रहा हूँ, खाना खत्म हो चुका है, और खा गया होता ना तब तक 3 बार खा चुका होता, फिर बंदा अब आ रहा है। चलो फटाफट लंच कर लेते हैं गाइस, फिलहाल जो है ऑफिस से घर निकलने का टाइम भी हो गया, लेकिन आज लंच करने के बाद ना बिल्कुल फ्री नहीं था, उस वजह से कुछ भी नहीं करवाया, सो उसके लिए माफी चाहता हूँ। सो फटाफट निकलते हैं गाइस घर के लिए। सो गाइस ऑफिस में थोड़ा आज बिजी था इसलिए थोड़ा सा सूट वूट ऐसे हो गया, ऐसे होता है यार ऑफिस जाने के बाद ना, क्योंकि यूट्यूब और ऑफिस को मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ गाइस, सो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गाइस, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा सूट हो नहीं पाता है, खाना खाया ये छोटी मोटी बातें होती है गाइस। सो ऑफिस से आने के बाद गर्मी भी बहुत बढ़ गया गाइस आज। सो फिलहाल जो है टाइम हो गया 11:56 हो चुके हैं, फिलहाल इस ब्लॉग एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,